के फजल करम से आज नुमाइश चुरंगी पर लब्बैक बचत बाजार का इफ्तिताह हो गया है। हमारे मरकजी नाज़िमे आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों आज ये बचत बाजार का इफ्तिताह हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ पर महंगाई से की चक्की में पिसी हुई आवाम के को रिलीफ दिलाने के लिए, सहूलत दिलाने के लिए, ये जो हुक्मरानों ने महंगाई का जो जुल्म किया हुआ है आवाम के ऊपर, इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए हमारे अमीर कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की हिदायत के मुताबिक कि इस कौम को हम जहां जिस हद तक रिलीफ दे सकते हैं वो हम रिलीफ देंगे। तो इस रिलीफ के लिए पिछले साल भी हमने इस मकाम पर जो बचत बाजार लगाया, आवाम को बहुत सहूलत मिली। आवाम को सहूलत मिलने के साथ साथ वो बड़ी खुशी हुई उनको कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके लिए और उनको रिलीफ देने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची डिवीज़न के सतह पर हर ज़िले में इस तरह के बचत बाजार का अहतमाम किया है ताकि दूर दराज आने वाले लोगों के को किराए में भी सहूलत मिले, उनके इलाकों में इस तरह के बचत बाजार लगे और वो बचत बाजार में आकर अपने पसंद की चीज़ें लें। मुख्तलिफ चीज़ों को हमने रखा है, एक चीज़ एक आइटम हमने नहीं रखा। मिसाल चाय की पत्ती है तो हमने दो तीन किस्म के चाय की पत्ती रखे हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, दालें हैं तो मुख्तलिफ किस्म की हैं और चीज़ें बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के रखें ताकि आसानी से लोग ख़रीदो फरोख्त कर सकें और अपने पसंद की चीज़ ले सकें और कम कीमत पर ले सकें। और हमने इसराइली प्रोजेक्ट का बिल्कुल बायकॉट किया है और हमने यूरोपी मगरबी प्रोजेक्ट का मुकम्मल बायकॉट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका यहाँ पर नेमल बदल भी रखा हुआ है कि आप नेमल बदल ये चीज़ ले लें, इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा लें। तो आगे इंशाल्लाह हम कुछ आपको हमारे मरकजी नाज़िम आला साहब बताएंगे। जैसे कि हमारे मुफ्ती कासिम कुदरी साहब अमीर कराची दामत बरकातुहुल आलिया ने आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया है और ये मैं समझता हूँ कि एक हकीकत है कि कराची में जहाँ कहीं किसी सूरत में भी मुश्किल की घड़ी होती है वो मुफ्ती कासिम फखरी साहब और कराची कमेटी के अफराद आपको पेश पेश नज़र आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसी की कड़ी है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कई मकामात पर जो है वो बचत बाजार लगाया जा रहा है और इसकी ख़ास बात जो ये है कि वो प्रोडक्ट्स जिससे इसराइल को फ़ायदा हो उसका बायकॉट किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को अजीम शान कामयाबी अता फरमाए और फलस्तीन के मुसलमानों की हैब से मदद फरमाए। आली सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम बोले करीम आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को नफ़ा देने के लिए बोले करीम बचत बाजार का इंतजाम किया गया। अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो खिदमत खल्क कर रही है बोले करीम इसको कबूल व मकबूल फरमा। बोले करीम हम सब को प्यारे हबीब अलैहि सलातो व सलाम के सदक़े बोले करीम मज़ीद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, आवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।